नमस्कार मित्रों, रामायण में कुछ ऐसी चमत्कारिक चौपाइयाँ हैं जिनसे कि व्यक्ति अपना मन चाहा कार्य संपन्न करवा सकता है, बशर्ते उन चौपाइयों को, उन मंत्रों को सिद्ध करना जरूरी है। वे सिर्फ एक चौपाइया ही नहीं है, अपितु वे एक साक्षात प्रमाणिक मंत्र है और आदिकाल से उन मंत्रों का प्रयोग अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए किया जाता रहा है। इसलिए रामायण की चमत्कारिक चौपाइयाँ जिनसे व्यक्ति अपने किसी भी अभीष्ट कार्य को चुटकी में संपन्न करा सकता है, बशर्ते उसके बारे में पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है और व्यक्ति को रामायण या सुंदरकांड के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। इनसे संबंधित देवता जैसे हनुमान जी, राम जी इत्यादि देवताओं का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे कि व्यक्ति का कार्य जल्दी सफल होता है और विशेष रूप से हनुमान जी महाराज के ऊपर व्यक्ति की श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि कलयुग के अंत तक अमृतत्व के वरदान के फलस्वरूप, यानी कि कलयुग जब तक समाप्त होगा तब तक के लिए हनुमान जी महाराज को अमरता का वरदान है और अमर रहने का और गुप्त रूप से पृथ्वी पर विचरण करने का, देखरेख करने का आदेश और वरदान प्राप्त है। इसके फलस्वरूप जब भी कोई व्यक्ति उनको सच्चे मन से याद कर लेता है तो तत्काल वे अपना प्रभाव, चमत्कारिक प्रभाव दिखा देते हैं। मुख्य रूप से हनुमान जी महाराज पर्वत की ऊंची श्रृंखलाओं, ऊंची चोटियों पर विचरण करते हैं, वहीं विश्राम करते हैं, मगर उनके पास अष्ट सिद्धियां हैं जिनके फलस्वरूप उनको पृथ्वी लोक में किसी भी कोने से अगर कोई भक्त उनको पुकारता है या उनके मंत्र का स्मरण करता है तो तत्काल बैठे बैठे ही वहीं से ही वह अपना चमत्कारिक प्रभाव दिखा देते हैं। रामचरितमानस में भगवान राम के संपूर्ण जीवन से व्यक्तियों को कुछ ना कुछ जरूरी जानकारी मिली है और रामायण में चौपाइयाँ जो कि साक्षात मंत्र ही हैं, वो भी हमें हर प्रकार के दुख, कष्ट और बाधाओं से हमें बचाती हैं और हमारी हर मनोकामना को पूर्ण कर देती है। आज ऐसी ही चमत्कारिक चौपाई जो कि मनोकामना से संबंधित है, मनोकामना यानी कि मन की ऐसी इच्छा, ऐसी आकांक्षा जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, उसमें बार बार बाधा आ रही है, तो ऐसे विशेष कार्य हेतु यह चौपाई बड़ी ही चमत्कारिक सिद्ध हुई है और मात्र एक बार इस मंत्र को बोल देने से ही व्यक्ति का मन चाहा कार्य अवश्य सफल होता है। किसी भी जरूरी कार्य से निकलने से पूर्व, अपने घर के दरवाजे से निकलने से पूर्व मात्र एक बार हनुमान जी का स्मरण करके इस चौपाई को यदि सच्चे मन से बोल दिया जाए, उसी क्षण ये बात तय है कि वह कार्य आपका जरूर सफल होता है, इसमें संदेह नहीं है। मनोकामना को पूर्ण कर देने वाली चमत्कारिक चौपाई इस प्रकार है। ओम भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरुणारी तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारी। मंत्र दोबारा सुने। ओम भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरुणारी तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारी। दो लाइन की इस चौपाई को मात्र एक बार आपको बोलना है और अपने घर से प्रस्थान करना है, बशर्ते इस बात का ध्यान रहे पुरुष का नासिका का दायां स्वर चलना चाहिए और अगर महिला है तो उसका बायां स्वर चलना चाहिए। उसी समय ही तत्काल यह मंत्र अपना प्रभाव दिखा देता है, इसमें संदेह नहीं है। व्यक्ति हनुमान जी के ऊपर आस्था रखे, हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जयंती के दिन अवश्य ही वर्ष में एक बार एक ध्वजा हनुमान जी के मंदिर में अपने हाथों से स्थापित करें और हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है तो चमेली के तेल के अंदर एक कटोरी में सिंदूर डाल करके मिश्रण बनाएं
और जहाँ कहीं हनुमान जी की मूर्ति हो वहाँ पर उनके चरणों में उस सिंदूर का लेपन करें और मन ही मन इस मंत्र को 21 बार दोहराएं, जिससे कि यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। तत्पश्चात किसी भी कार्य में जाने से पूर्व मात्र एक बार अगर इस मंत्र को बोल लिया जाएगा उस व्यक्ति का कार्य अवश्य सफल होगा, इसमें संदेह नहीं है। धन्यवाद।